अस्सलाम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। और हमारे जितने प्यारे बहन भाई हैं, हम उन सब के लिए हम बहुत सारी दुआ करते हैं कि वो जा रहे हैं खुश और आबाद रहे हैं, हमेशा अपनी फैमिली में हंसते मुस्कुराते रहे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो थंबनेल में तो आप देख ही चुके होंगे, तो आप वैसे भी हम इधर साथ ही वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे माशाल्लाह से आज हमारी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है, मेरी बेटियां भी बहुत ज्यादा खुश है। आज हमारा इतने अरसे बाद ये गिफ्ट आया हुआ है, तो अभी हम ओपन भी करेंगे। सब बेचैन है इसको ओपन करने के लिए कि इसमें क्या है क्या नहीं। असल में आज मैंने अंदर कमरे में वीडियो बना रही हूँ, गर्मी बहुत ही ज्यादा है, बाहर इतनी ज्यादा धूप है और बाहर छांव भी नहीं थी, और बाहर इतनी ज्यादा धूप है, ज्यादा छांव भी नहीं थी। तो मैंने सोचा इधर कमरे में ही बैठ के व्लॉग बना लेते हैं। और आज एक हफ्ता हो गया है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, बाहर लो चलती है, क्योंकि ये 3 महीने तो गर्मियों के होते हैं, फिर हमें ना इस गर्मी को 3 महीने तो गुजार करना ही पड़ता है गर्मियों का। तो बहुत बहुत सलाम के लिए बता रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो माशाल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ, पता नहीं मेरे लिए क्या निकलेगा ये मुझे नहीं पता। और इसको हम ओपन करेंगे, और जिसने ये में गिफ्ट दिया है उस आंटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक उसे बहुत ज्यादा दे, और हमारी उसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। अल्लाह पाक उसे बहुत ज्यादा दे और खुश रखे हमेशा। तो अभी ओपन करते हैं, फिर उसने बहुत बड़ा दिल का के हमारे लिए भेजा है। हाँ, खुश क्यों ना हो। हाँ, तो अभी मैं आती हूँ। कैंची है ना, वो ऊपर से ये सख्त लगी हुई होती है ना, ये वाली, ये कैंची के कोई साथ खोल ना सके है। क्योंकि वो दूर से आते हैं ना, इसीलिए इतने प्यार से उन्होंने हमारे लिए ये भेजा है। चार माह तो हो गए आते आते हुए। हाँ, ये दूर से आते हैं ना, फिर इस वजह से। तो अभी माशाल्लाह से मैंने इसको ओपन कर लिया है, अभी हम खोलते हैं। और खोल के ना इधर मैंने रख रख के आप लोगों को दिखाऊंगी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अल्लाह पाक मेरे बाजी को ना बहुत ज्यादा दे, और उनके बच्चों के लिए, बेटियों के लिए भी बहुत सारी दुआ करती हूँ। इतने प्यार से उन्होंने हमारे लिए ये भेजा है देखने के लिए। फातिमा बैठी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये शूज है, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। ये घर के लिए है, ये पहन सकते हैं। हाँ, चलो मैं इसको नीचे रख देती हूँ। ये क्या है, उनकी ये चाय पीने वाले कप है। और देखिए इतनी दूर से आई है, फिर भी शुक्र प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह टूटे नहीं है, बहुत ही प्यारे हैं। देखें कागज में बाजी ने इतने पैक करके भेजे हैं कि एक भी ना टूटे हैं। माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे, सो स्वीट कलर। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बाजी ने बर्तन भेजे हैं, ये प्लेटें हैं छोटी। ये तो मेरी बेटी के जहेज के लिए उसने ये सब कुछ भेजा है। ये देखें, ये भी प्लेटें हैं, और इनके ना जो ऊपर से देने वाले डोके हैं उनके सिर्फ अभी ढकने निकल रहे हैं अभी ना, वो भी मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखो, ये निकल आए हैं सारे, अभी मैं सारे निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी मैंने बर्तन निकाल के रखे हुए हैं, ये देखें। और ये माशाल्लाह से ये सूट भी है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। और इसमें ये देखें, ये भी शूज हैं, ये सर्दियों वाले हैं, ये मैं नीचे रख रही हूँ। और ये भी मेरी बेटियों के लिए, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी फातिमा एक सनम के लिए, एक मेरे लिए, क्योंकि हम घर, ये देखें जो पहले वाला मैंने शूज दिखाया था, ये भी वैसे हैं, ये भी मैं नीचे रख रही हूँ चारपाई की। और ये भी सूट है, और ये भी शूज है, ये नीचे फातिमा रख दो। और ये भी उसके सूट के साथ वाली जो सलवार है, और माशाल्लाह से ये भी सूट है। क्या पता तुम्हारे लिए क्या निकलता है, अभी ना मैं देखूंगी ना खोल के। तो ऐसा ऐसा कप तो निकाल ले, टूट जाएंगे। हाँ, पहले वही निकाल ले रही थी मैं। ये देखो, ये भी शूज है, निकालो शूज सारे इकट्ठे करो।
ये देखे ये सदियों वाले शूज है, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। नीचे रख देते हैं शूज, करो करो इसमें भी ठीक है। ये जो बच्चा है वाओ कितना प्यारा कलर है। चलो शूज मैंने नीचे चार पाई के नीचे रखे हुए हैं नीचे। हाँ तो अभी मैंने ना सारा कुछ सामान निकाल लिया है और जूतियों के नीचे मैंने स्टाक लग गए हैं और ये बैग है मतलब के पास है और बर्तन में सब चीजें बहुत ही प्यारी है और फातिमा के कलर देखें माशाल्लाह। देखो ये प्यारे प्यारे कलर प्यारे प्यारे माशाल्लाह इतने सारे हैं, इतने सारे हैं। और ये कंघे भी हैं बालों वाले, बालों में बालों के बाल नहीं। और ये प्यारे कलर है माशाल्लाह, सारा सामान बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं सारे। और भी निकालो बटे हैं दिखाओ, ये जैसे गर्मियों में मुझे तो दुपट्टे लग रहे हैं। ये वो चीज है, ये हिजाब है। ये आपको एक बार खोल के दिखाऊं? नहीं दुपट्टे हैं देख लो। हाँ देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। फातिमा जो हिजाब पहनती है ना इसलिए। हाँ चलो ये मैंने अभी निकाल के सारे रखे हुए हैं एक साइड पे रख दो सारे। देखें इसमें इसमें भी कपड़े के देखो इसमें क्या है। इसमें भी ये देखे कपड़े हैं और ये दिखाना ये इसमें ना वो हम जैसे सिलाई करते हैं ना गोटियां है, सारी गोटियां हर कलर की है। जैसे हम घर में सिलाई बेटियां कपड़े सिलाई करती है ना वो वाली गोटियां है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है और काफी सारी है। चलो सिलाई करने बैठेंगी तो सारे कपड़े होगी मैचिंग मैच करके तो सिलाई कर लिया। ये रेशमी रेशमी भी है सारी भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। हाँ बना रख लो फातिमा के काम देखो काम चेक करो। इसमें खो रही हूँ इसमें देख रही हूँ कि क्या है। फातिमा को देखो वो ना अपने कलर देख रही है कि कौन कौन से कलर है, वो अपने कलरों पे बैठी हुई है। देखो और कुछ मैंने साथ जो सामान है वो निकाल लिया है। अभी ये भी है इसमें भी मैं निकाल के ये देखे ये फातिमा तुम्हारे लिए ये बाजी ने दस्ता भी भेजा है और ये भी है और ये पता नहीं क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। चलो बाद में शुरू करेंगे आप देखकर पता नहीं यार मेरे को भी समझ नहीं आ रही। चलो आप लोगों को पता है ये क्या है बताओ। नहीं पता ये देखो ये चार्जर खेलने के लिए पता नहीं। सुनम ये देखिए ये कपड़े हैं ये भी कपड़े हैं इधर रखो। चलो मैं इधर रख रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं एक और शूज निकल आया है। आज शूजों के तो मतलब के उसका वो इधर रख रहा था ना बहुत ही ज्यादा है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और भी खोलो ना और भी खोलो और भी खोलो और भी खोलो। वो देखो ये भी लेडीज आ गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और उस बाजी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दूसरा भी ओपन कर लिया है ये तो ना मैं दिखाओ ना ये देखे बाजी ने रजाई भेजी है माशाल्लाह बहुत ही। फातिमा मम्मी के साथ खुलवाना इसको रख दो और इसके साथ ये देखे बहुत ही प्यारी रजाई है ये मैं इसके साथ में डालूंगा भी गर्मी है पायल हम सदियों में डालेंगे। ये सारे सारा जितना भी सामान है ना ये सारा बिल्कुल नया है और ये मैंने ना सनम के जहेज में रखूंगी। हाँ ये सारे बर्तन भी और ये रजाई भी और ये तकिया भी बनाऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख सामान बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा सामान है। सारा कुछ निकाल लो सारा भी सनम के जहेज के लिए दिया है मुझे सारे भी बहुत ज्यादा पसंद है। और ये बैग है शेप जैसे कलंदा जाता है ना उसके कपड़े वगैरह डाल के जाए जैसे हम कहीं शादी पे जाए तो माशाल्लाह ये भी अच्छे है। माशाल्लाह बहुत ही सारे हैं ये भी। चलो रख दो इसको भी रख दो बाद में ओपन करेंगे अभी इतने नहीं ओपन कर सकते। और इसमें सूट है तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। बाजी ने जो भी हमारे लिए सामान भेजा मेरी बेटियों के लिए भेजा बहुत ही अच्छा था। सारा का सारा सामान बहुत अच्छा है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है और उस बाजी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और उनकी बेटियों के लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बेटियों वो भी मेरी बेटियां हैं अल्लाह पाक उन्हें सुख सियात और लंबी जिंदगी रखे। हर मुश्किल वक्त में मेरी बाजी ने मेरा साथ दिया है
और अभी ना पहले ये सारा सामान आप पैक करके रखेंगे, और क्योंकि ये सारा सामान बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया बना के रखना बेटी के जहेज के लिए भेजा है।